हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी का CE Plus 450 YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ DVR और SVR में आने वाली कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारे पास SVR है और चलिए इसको चालू करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये चालू हो चुका है, हम इसकी स्टोरेज में चलते हैं और इसकी स्टोरेज को चेक करते हैं। जब हम डिस्क चेक करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हमको कोई भी हार्ड डिस्क शो नहीं करती है, इसकी कोई भी डिस्क शो नहीं करती है और इसका टोटल स्पेस हमको 0 0 दिखाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेक्ट डिस्क करने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्क हमको शो नहीं कर रही है। ज़्यादातर XVR और DVR में ये प्रॉब्लम आती है। तो मैंने जहाँ तक देखा है तो ये प्रॉब्लम जो है इसके चार्जर की वजह से आती है, या आप अडप्टर बोल सकते हैं, अडप्टर की वजह से आती है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 12 वोल्ट और 0.7 एम्पियर का है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेंगे ये ओके है या नहीं ओके है। अडप्टर को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को DC20 पे सेट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 12.29 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब ये तो ठीक दिखा रहा है, चार्जर इसका ओके दिखा रहा है, लेकिन जो इसका एम्पियर है वो लो आता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगती है। तो हम इसकी जगह पे हम एक दूसरा चार्जर लगा करके देखेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि चार्जर की प्रॉब्लम है या हमारे XVR में प्रॉब्लम है। तो उसके पहले हमें दूसरा चार्जर लगा करके हम इससे देख लेते हैं, कंफर्म कर लेंगे। यह हमारे पास 12 वोल्ट 1 एम्पियर का अडप्टर है, इसका हमने 12 वोल्ट पे सेट कर लिया है। अभी हम इससे चालू करके देखते हैं, अगर सेम प्रॉब्लम आती है तो हम फिर DVR को ओपन करके हम XVR को हम चेक करेंगे। यहाँ पे ये हमारा ठीक है चार्जर, हम इसको लगा करके देखेंगे। ये हमारा XVR चालू हो चुका है। चलते हैं हम इसके स्टोरेज में और हम इसका स्टोरेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी चलते हैं डिस्क मैनेजर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे स्पेस दिखा रही है 8.00। हम इसको फुल कर लेते हैं, यहाँ पे 8.00 GB दिखा रहा है और 912 GB भी दिखा रहा है। यहाँ पे हम डिस्क चेक करते हैं, तो डिस्क चेक करने पे हमको टोटल स्पेस यहाँ पे 931 GB दिखा रही है। हम कभी नेवेट वन को सिलेक्ट करके हम इसको स्टार्ट चेक कर लेते हैं, इसमें डेटा कितना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम ओके करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं ये डिस्क चेक हो रही है इसकी, जिसमें डेटा है। सिर्फ हमने क्या किया, अभी इसका चार्जर जो है, जो कि अडाप्टर, हमने इसको चेंज किया है और ये हमारी प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे अडाप्टर की वजह से आ रही थी और हम उसका जब वोल्ट चेक कर रहे थे वोल्ट ओके दिखा रहा था, लेकिन उसका साइड से एम्पियर जो है वो लो है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी आप देख सकते हैं ये ठीक है, दूसरा अडाप्टर लगाने पे ये ओके है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।